एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर। ये कहानी है मोटिवेशन की पावर के बारे में, यानी कि जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो उसका हमारे ज़िंदगी में कितना बड़ा असर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी है एक बच्चे के बारे में जिसका नाम था रोहन। रोहन को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वह रोज़ अपनी टीचर के पास फुटबॉल की प्रैक्टिस करने जाता था, लेकिन रोज़ प्रैक्टिस करने के बावजूद वो कभी अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका गेम इतना अच्छा नहीं था जितना बाकी बच्चों का था। जब भी रोहन फुटबॉल की प्रैक्टिस करने जाता तो उसके पापा हर रोज़ मैदान के किनारे पर बैठ कर उसका इंतज़ार किया करते थे। धीरे धीरे मैच खेलने के दिन पास आने लगे, लेकिन रोहन कुछ दिनों से प्रैक्टिस के लिए आया ही नहीं। लेकिन जिस दिन फाइनल मैच था, यानी कि आखिरी दिन पर वो वहाँ पहुँचा और उसने अपने टीचर से कहा कि सर, आपने कभी मुझे टीम में खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन आज मैं खेलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने टीम में खेलने दीजिए। तो उसके सर ने बोला कि रोहन, मैं तुम्हें ये मौका नहीं दे सकता, क्योंकि आज तो फाइनल मैच है। इस मैच पर हमारे स्कूल की हार और जीत निर्भर करती है, और तुमसे अच्छे खिलाड़ी इस टीम में मौजूद हैं, तो मैं तुम्हें कैसे खेलने दे सकता हूँ। लेकिन रोहन ने कहा कि नहीं सर, प्लीज़ आज मुझे खेलने दें, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं बहुत अच्छा खेल कर दिखाऊँगा। रोहन के बहुत कहने पर उसके टीचर ने उसको खेलने की इजाज़त दे दी। मैच शुरू हुआ और रोहन ने ऐसे खेला मानो वो अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर हो, सबसे अच्छा खिलाड़ी हो। उसने बहुत सारे गोल किए और आखिर में अपनी टीम को जितवा दिया। उसके स्कूल को फाइनल मैच में जीत हासिल हुई। जब मैच ख़त्म हुआ तो उसके टीचर उसके पास आए, वो हैरान थे। उन्होंने कहा कि रोहन, मैंने तो तुम्हें इतना अच्छा खेलते हुए कभी नहीं देखा, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना अच्छा खेले? तो रोहन ने जवाब दिया कि सर, आज मेरे पापा मुझे ये मैच खेलते हुए देख रहे थे, मैं उनका सर गर्व से ऊँचा करना चाहता था, इसीलिए मुझ में ये हिम्मत आई और मैं बहुत अच्छा खेल गया। जब सर ने देखा जहाँ पर उसके पापा हमेशा बैठते थे, आज तो वहाँ कोई नहीं था, तो उन्होंने रोहन से पूछा कि रोहन, जहाँ तुम्हारे पापा बैठते थे आज तो वहाँ कोई नहीं है, कहाँ है तुम्हारे पापा? तो रोहन ने जवाब दिया कि सर, मैंने आज तक आपको एक बात नहीं बताई, मेरे पापा देख नहीं सकते थे, वो अंधे थे, कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई और आज वो पहला दिन है जब वो ऊपर से मुझे देख रहे होंगे, तो इसलिए मैं उनका सर गर्व से ऊंचा करना चाहता था। तो देखा आपने कैसे किसी का हम पर विश्वास हमें इतना हौसला दे देता है कि हम अपने परेशानियों को दूर करके अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। किसी का इतना ही कह देना कि हाँ, तुम कर सकते हो, तुम ज़रूर कर सकते हो, हमें इतनी हिम्मत देता है, हमें इतना हौसला देता है कि हम अपनी मुश्किलों से ऊपर उठकर जीत की तरफ एक कदम और बढ़ जाते हैं। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। वेट फॉर माई नेक्स्ट स्टोरी टू कम। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।